वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्संस, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक कमिटी है 8 पर्सन का, जिसमें क्या करना है, एगो चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और एगो वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करना है। और क्या कहा गया है कि कोई भी जो है एक दूसरे का पोजीशन को नहीं ले सकता, मतलब एक से ज़्यादा पोजीशन कोई भी नहीं ले सकता, इस तरह का दिया हुआ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया है, 8। ठीक है, अब इसमें दो प्लेसेस है मेरे पास, एक चेयरमैन को सेलेक्ट करने का, एक वाइस चेयरमैन। तो यहाँ पर चेयरमैन को देखो 8 में से किसी को भी ले सकते हैं, तो 8 में से हो गया वाइस चेयरमैन, जो मेरे पास एक बचा हुआ है। ठीक है, मतलब एक ले चुके हैं यहाँ पर, तो 7 बचा हुआ है, तो 7 में से किसी को लेंगे तो 7 में से जाएगा ये। तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा। अब यहाँ परमोटेशन के कंडीशन पर देखते हैं, ये है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, क्या हो जाएगा 8P2। अब एन पी आर क्या होता है मेरे पास, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 8 बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल बाय इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6। ये कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 56। तो 56 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पर 6 जो दिया है, फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री रेशियो एन पी फोर इक्वल टू 1:9। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइडेड फॉर्म में पहले कर लेते हैं। इसको इस तरह से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, एन के प्लेस पर एन माइनस वन है, तो यहाँ पर n माइनस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, यही ना, ये हो गया। अब इसका भी डिवाइडेड में हम ये कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू फैक्टोरियल n बाय हो जाएगा ये n माइनस फोर का फैक्टोरियल, यही ना, इक्वल टू 1:9। अब इसको हम लिख देते हैं, ये डिवाइडेड लाइन है तो ये चेंज हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको अगर हम चेंज करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये n माइनस फोर का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको क्रॉस करते हैं तो ये n माइनस फोर चला जाएगा नोमिनेटर में, और यहाँ पर आ जाएगा ये फैक्टोरियल n, ये तो यहीं पर कट गया, कट गया, इक्वल टू 1:9। ठीक है, अब ये जो है इस कौन बड़ा है, इसमें से ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, बाय हो गया ये एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा ये एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया, तो ये आ गया 1:9। डेट मीन्स क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास 1:n इक्वल टू आ गया 1:n आ गया यहाँ पर इक्वल टू 1:9, तो देयरफॉर क्या आ गया, n इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। अब देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 में दिया फाइंड आर इफ 5PR इक्वल टू 2 × 6PR-1, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बाय हो जाएगा 5-R का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 2 × लिखेंगे यहाँ पर, 2 × कर देते ये फैक्टोरियल 6 बाय ये आ जाएगा यहाँ पर 6-R+1, ये माइनस में जाएगा तो माइनस अगर बाहर में इसके लगाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, तो आप इसको लिखते हैं, ये आ गया यहाँ पर फैक्टोरियल 5 बाय हो गया 5-R का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 × इसको हम 6 × फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय में आएगा ये 7- आ गया ये r का फैक्टोरियल, यही ना, 7-R का फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पर 5-R हमको करना है, तो इसको जैसे ले जाएंगे तो इसको हम इस तरह से पहले एक बार लिख लेते हैं, उसी एक ही बार में लेके जाके काटेंगे,
यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 5 बाय हो गया 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू हो गया ये 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 7 माइनस आर, पहले तो 7 माइनस आर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू होगा ये 7 माइनस आर माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, ठीक है, घटते जाएगा एक एक, इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब चेंज कर देते सबको, इस सेट ले आते केवल 2 को रहने देते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा मेरे पास फैक्टोरियल टर्म को ले आते हैं, फैक्टोरियल 5 बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल ये हो जाएगा इंटू, ये सब टर्म को इधर ले आते हैं 7 माइनस आर, ये यहाँ पर माइनस है, इंटू 6 माइनस आर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बाय हो गया ये, बाय में कुछ नहीं लिखते हैं 1 लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर ये नंबर को रहने देते हैं इक्वल टू 12, है ना, तो ये इसके साथ कट गया, बाय में फैक्टोरियल 5 आएगा ये, ठीक है, ये फैक्टोरियल 5 के साथ फैक्टोरियल 5 भी कैंसिल आउट हो गया ये, तो मेरे पास इस तरह से फॉर्म अब आ रहा, ठीक है, क्या हो गया 7 माइनस आर इंटू हो गया 6 माइनस आर इक्वल टू आ गया 12, ठीक है, ये 6 इंटू 2 12 हो गया था। अब इसको अगर हम करते हैं तो इसको हम इस तरह से करते हैं, मान लेते हैं इसको चाहेंगे तो हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये सॉल्व कर देते हैं इसको, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 42 आ गया, माइनस आ गया 7r, ये हो गया माइनस 6r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया r स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहाँ पर 12, यही ना, तो यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख लेते हैं r स्क्वायर माइनस कितना हो गया 13r, ठीक है, प्लस हो गया 42 माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक में करके सॉल्व कर रहे हैं इसको, माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब 30 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, 3 से ले रहे हैं 5 आ जा रहा है, हमको कितना करना है 13 करना ना, 30 का लिए हैं ये, 30 का ही लेंगे, तो यहाँ पर कितना करना है 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 10 और 3 में 13 हो जाएगा, तो उसी तरह से इसको अरेंज करके फिर से लिखेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर r कॉमन लेते हैं तो r माइनस 3, यहाँ माइनस 10 कॉमन लेते हैं तो r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ गया r माइनस 3 इंटू r माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से फॉर्म में आ गया। तो मेरे पास r इक्वल टू क्या आ रहा है, r इक्वल टू एक कंडीशन में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, r माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये क्या है नॉट पॉसिबल होगा, क्यों नॉट पॉसिबल होगा देखो बता रहे हैं अभी, और एक क्या आ जा रहा है r इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पर ये r इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास 5 pr है 6 pr है, मेरे पास 5 में से अगर लेंगे तो 5 में से 10 कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि n से हमेशा r का वैल्यू क्या होता है छोटा होता है, तो n का r का वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ जा रहा था, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ गया इसमें से 3, ठीक है, तो यही हमको लिखना था, ये r का वैल्यू फाइंड करना था। उसी तरह का एक और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 पी आर इक्वल टू 6 पी आर माइनस 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई लिख सकते हैं 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 बाई एन माइनस एन के प्लस पर ये है r के प्लस पर ये है, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा r माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये प्लस 1 का फैक्टोरियल, यानी क्या हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया, ये यहीं पर लिख देते हैं फैक्टोरियल 6 बाय हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये दोनों को अरेंज करते हैं, यहाँ पर कितना है छोटा तो यही है, ये हो गया मेरे पास, यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है लगभग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6 इंटू होगा ये फैक्टोरियल 5 बाय हो जाएगा ये 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, चाहेंगे तो यहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ गया 1, ठीक है, और ये क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 6, इस तरह से आ गया टर्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से जैसे इसको किए थे, तो इसमें भी तो वही आ रहा 42 आ रहा है ये माइनस 7 आ रहा है, फिर ये क्या आ रहा है
माइनस सिक्स आर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिक्स, यही ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू जीरो। 42 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, यही ना। तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू जीरो। अब 36 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 18 आ गया, फिर 2 से लेंगे 9, हमको लाना है 13, हो जाएगा ये 4 और 9 में 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर ठीक है माइनस 4 आर माइनस 9 आर प्लस 36 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ रहा है अब ये टर्म, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये आर को कॉमन लेते हैं तो आर माइनस 4 हो जा रहा है, इसमें से लेते हैं माइनस 9 को कॉमन लेते हैं तो आर माइनस 4 हो जा रहा है इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास कॉमन क्या गया, आर माइनस 4 इंटू आर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, इस तरह से आया। तो एक बार क्या हो रहा है, ये आर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 9। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिख देंगे। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, सिंस क्या है यहाँ पर, आर इज ग्रेटर देन एन है, इसीलिए नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेरे पास आर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 4, यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का सम यहाँ पर बुक में दिया हुआ, जैसे 9 में दिया हुआ यहाँ पर, इफ पी एन माइनस 1 3, इस तरह से कोमा में भी लिखा हुआ रहता। ठीक है, इस तरह का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है पी एन माइनस 1 3, रेशियो में लिखा है पी एन 4, ये ना इक्वल टू 1:9। तो इसको इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, एन माइनस 1 P3 रेशियो एन पी 4 इक्वल टू 1:9। इसके बाद आप कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हम बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, यहाँ से इस तरह का जो है 9 हो गया, ठीक है 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।